मिलता जीव और पहले अगर उस कर्तव्य की अदा कर दोगे तो स्त्रियों का सेवाओं का यतीमों का खाना भी हो जाएगा। इसलिए कहा ईद की नमाज पहले करें अगर उसी कर्तव्य की तरफ अदा करें। इसलिए ईद उल अजहा की नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म हुआ है और ईद उल फितर की नमाज जल्दी पढ़ने का हुक्म हुआ है। बोलिए ईद उल फितर की नमाज और गरीबों मिस्कीनों बेवाओं के घरों के अंदर भी सूर्य चल जाएंगे, खाने का इंतजाम हो जाएगा, कपड़े का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए हम आपको ध्यान से ध्यान रखते हैं और ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस और के लिए बड़ी अजीज बताई है, जैसे कि मैंने आप بإكمال شهر رمضان شهر الرحمة والغفران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله تعالى واولى وعز واجل واتم واهم واعظم واكبر उसकी जगह उद्देश्य है।